पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर था। इसमें देखिए हमने 2 8 इंच के वूफर लगा रखे हैं और यहाँ पे जो है बैटरी लगा रखी है 24 वोल्ट की। तो हम अभी इसको निकाल लेंगे और इसमें लगाएंगे SMPH। ठीक है, इसको हम खोल के अभी निकाल लेते हैं बैटरी को। और यहाँ पे हम SMPH लगाएंगे। ये जो है अपना नेटवर्क प्लेट है, ये 5.0 ब्लूटूथ है और ये जो है अपना 3116 का मोनो एम्पलीफायर है 100 वाट का। ठीक है, और इधर D26 ट्यूटर लगा हुआ है बाकायदा। ठीक है, और अब हम इसमें लगाएंगे दोस्तों SMPS। तो SMPS ये है 24 वोल्ट 5 एम्पियर का। तो दोस्तों SMPS ये है अपना 24 वोल्ट 5 एम्पियर का। यहाँ पे लाए आपका AC लगेगा, यहाँ पे 24 वोल्ट आउट होगा। ठीक है, और ये 78012 है बेस ट्रेबल बोर्ड को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये बैटरी थी, अब इसको बैटरी को हम कट करके निकाल देंगे। काफ़ी हैवी बैटरी हमने लगाई थी, अब SMPS ठोकेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों अब हम SMPS की वायरिंग करेंगे। SMPS की वायरिंग करने के पहले हमें जो है इसमें देखना पड़ेगा, हमें ये देखिए 24 वोल्ट 5 एम्पीयर का अपना ये SMPS है और यहाँ पर अपना दोनों AC कनेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, न्यूट्रल पे जो है आपको काला वाला वायर जोड़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, काला वाला वायर यहाँ पर लगाना है बिना कोई सोचे समझे। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पर ब्लैक वाला वायर आपको ज्वाइंट कर देना है। ये ब्लैक वाला वायर यहाँ लगाना है, फिर उसके बाद उसको कस देना है और फिर उसके बाद आपको रेड वाला वायर लगाना है, फिर उसको कस देना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको अच्छे से लगाना दोस्तों। एक भी तार इसका ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, सारे तार लग जाने चाहिए इसके बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, ये है मल्टीमीटर, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर 200 वोल्ट पर, उसको यहाँ पे सेट करेंगे और आप लोगों को वोल्टेज दिखाएंगे इसमें। ठीक है, चेक करा के बकायदा। थोड़ा कैमरा ऊपर करते हैं, अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ा कैमरा कुछ ज़्यादा ही सीधा हो गया, इतना सीधा भी नहीं करना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और इधर से लेंगे माइनस और इधर से लेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों अभी 25 वोल्ट आ रहा है ना, ये पूरा 25.5 वोल्ट। तो ये बगल में नोब लगी हुई है, इस नोब को घुमाना है हमको। तो ये नोब जब आप घुमाएंगे तो वोल्टेज भी जब है कम होगा। तो नोब को हमें घुमाना होगा इस तरीके से, बढ़ाएंगे तो ये 29 30 32 34 35 36 वोल्ट तक चले जाएगा। इसको बढ़ाना नहीं है, हमें कम करना है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं इसे कहाँ तक, कितनी वोल्ट तक जाता है। ये 36 वोल्ट तक चला गया ये SMPS। तो ये 36 वोल्ट तक आप इससे जो है पूरा प्रॉपर पावर ले सकते हो, लेकिन अगर डाउन करना चाहो तो डाउन भी कर सकते हो, 30 वोल्ट भी ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्री में, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले मेरे भाइयों। तो ये देखिए पूरे 24 पे आकर हमने सेट कर दिया 24 वोल्ट पर। पूरा 24 वोल्ट पर हमने इसको सेट कर दिया दोस्तों, और हल्का सा हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं। चौबीस वोल्ट ठीक आ रही है अब इस पर पूरी।
इसी तरीके से इसके कनेक्शन होंगे, ठीक है। अब ये देख लो दोस्तों कि 24 वोल्ट की वायर कहाँ लगेगी, और जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा देना, आपको मल्टीमीटर से देखना ज़रूर है एक बार, वोल्टेज बढ़ी कम ज़्यादा कर सकते हो आप उसमें, तो वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है उसी के अंदर। तो दोस्तों माइनस वाला हमने यहाँ पर लगा दिया है, देखिए चार नंबर छः नंबर पे हमने यहाँ पे 24 वोल्ट लगाया, और यहाँ पे जो दोनों एसी लगा रखा है, ठीक है। इसको चलिए ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये ऑन ऑफ का बटन मैंने लगा रखा है, इधर देखिए ये ब्लूटूथ मोड कितने अच्छी तरीके से ये ऑन हो गया, और ये वर्क भी कर रहा है, ये देखिए ब्लूटूथ मोड, ठीक है भाइयों। अब चलते हैं दूसरी वायरिंग पे। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 78012, जिसमें जो है यहाँ पे आपकी इनपुट होगी 24 वोल्ट की, और यहाँ पे ग्राउंड लगेगा 24 वोल्ट का, और यहाँ से आपका 12 वोल्ट आउट होगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट की ग्राउंड लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वायरिंग होगी दोस्तों, और इसको हम यहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 78012 लगा है यहाँ पे 24 वोल्ट आ रही है और यहाँ से आउट हो रही है, तो हम यहाँ से पहले ले लेंगे, फिर ये वाला सिस्टम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है।